आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ प्रश्नों के उत्तर जानने की कोशिश करेंगे, जिसमें सबसे पहला प्रश्न है कि कैपेसिटर को हम लोग कंबाइन क्यों करते हैं। दूसरा प्रश्न यह है कि कम्बिनेशन कितने तरह के होते हैं। तीसरा प्रश्न यह है कि पैरेलल कम्बिनेशन किसे कहते हैं। चौथा प्रश्न ये है कि पैरेलल कम्बिनेशन में टोटल कैपेसिटेंस बढ़ेगा या घटेगा। पांचवा प्रश्न यह है कि पैरेलल कम्बिनेशन में जब हम कैपेसिटर्स को रखते हैं तो सब पे चार्ज सेम होता है या डिफरेंट होता है, पोटेंशियल सेम होता है या डिफरेंट होता है इत्यादि। तो सभी प्रश्नों के उत्तर खोजने के लिए इस चर्चा में शामिल हो जाया जाए। और मौजूदा जो चर्चा का विषय है, सबसे पहले तो ये जान लेना अहमियत है कि अगर हमको किसी खास वैल्यू का कैपेसिटर अवेलेबल नहीं है तो वैसे केस में हम करेंगे क्या, हम डिफरेंट कैपेसिटर को कंबाइन करके कैपेसिटेंस या तो इनक्रीज करेंगे और नहीं तो डिक्रीज करेंगे। तो अगर हमको एक डिजायरेबल वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस चाहिए तो उसमें कैपेसिटर को हमको कंबाइन करना पड़ता है। अब कम्बिनेशन बेसिकली दो तरह के होते हैं, एक तो सीरीज कम्बिनेशन, अगले वीडियो में उस पर चर्चा की जाएगी, दूसरा होता है पैरेलल कम्बिनेशन। सर्किट में ये पहचानेंगे आप कैसे कि जो कैपेसिटर है वो सीरीज में कंबाइन है कि पैरेलल में कंबाइन है, कई बार इसमें दिक्कत हो जाती है। सहूलियत के लिए बस ये एक लाइन याद रखिए, उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। जैसा कि इसमें लिखा हुआ है, पैरेलल कम्बिनेशन तब कहते हैं जब कैपेसिटर दो कॉमन पॉइंट के बीच और अलोंग डिफरेंट पाथ कंबाइन है। ओके, अभी जैसे हम एक पॉइंट यहाँ पर ए ले लें, दूसरा पॉइंट बी ले लें, और इसमें एक कैपेसिटर तो आप देख रहे हैं जोड़ा हुआ है। अब इसी पॉइंट से अलग पाथ में अगर हम दूसरा कैपेसिटर जोड़ दें, ये दूसरा जोड़ा हुआ कैपेसिटर, या तीसरा भी हम जोड़ दें, ये तीसरा जोड़ा हुआ कैपेसिटर क्या है, तो ये पैरेलल है। क्यों? क्योंकि आप देखिए, दो कॉमन पॉइंट के बीच C1, C2 और C3 डिफरेंट पाथ के अलोंग कंबाइंड है। ओके, तब आप इसको पैरेलली कंबाइंड बोलेंगे। अब एक बात यह है कि चार्ज स्टोर करने के लिए इसको हमें एक सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस मतलब सेल से जोड़ना होगा। सेल चार्ज जो सेंड करेगा, अगर यहाँ पर क्यू चार्ज इसने सेंड किया, तो इस जगह पे जहाँ ब्रांच है वो तीन पार्ट में बटेगा। एक तरफ Q1 जाएगा, दूसरे तरफ Q2 जाएगा, तीसरे तरफ Q3 जाएगा। अगर ये प्लस Q यहाँ आएगा तो इंडक्शन के वजह से इसके इनर सरफेस पे माइनस Q चार्ज आएगा, उसी तरह से यहाँ भी, ठीक है, और यहाँ भी आप लिख पाएंगे। अब इस प्लेट का जो अपोजिट वाला प्लस चार्ज था वो सर्किट में मूव करके बी पॉइंट से होते हुए यहाँ से Q1, यहाँ से Q2, यहाँ से Q3 और यहाँ Q आ जाएगा। तो ऐसा, तो सबसे पहली बात कि अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें, है ना, बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, अच्छा पोटेंशियल डिफरेंस पॉइंट पे डिपेंड करता है, इसीलिए इसको VA - VB जब लिखेंगे = V, ये सब के लिए कांस्टेंट या सेम होगा, ठीक है। आप C1 के लिए भी, C2 के लिए भी, सब के लिए सेम ही लिखेंगे। तो ये तो बात हो गई सर्किट की। अभी आप कैपेसिटर में पढ़े थे कि Q = C × V, है ना, फॉर कैपेसिटर Q = CV। तो यहाँ से अगर हम Q1 चार्ज जो फर्स्ट कैपेसिटर पे स्टोर हुआ है इसकी बात करें तो C1 × V लिखना होगा। अगर Q2 चार्ज की बात करें तो C2 × V,
और इसी तरह से Q3 को C3 इंटू V लिखना होगा। ओके, इतना कार्य आप कर लीजिए। अब अगर हम टोटल चार्ज Q की बात करें तो वो तो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 होगा, जो कि C1 प्लस C2 प्लस C3 इंटू भी के बराबर होगा, जिसको इक्वेशन वन मान सकते हैं। यहाँ तक आसानी से चले आइए। अब यहाँ तक आने के बाद अगला हम लोग कर क्या सकते हैं, ये पूरे सर्किट को, चूँकि हमें पता करना है कि तीनों के बदले अगर हम एक ही कैपेसिटर यूज करें तो उसका कैपेसिटेंस क्या होगा, तो अब इसी का इक्विवेलेंट सर्किट हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो इक्विवेलेंट सर्किट में हमारे पास क्या आएगा, सिंगल कैपेसिटर, ओके, कनेक्टेड है बिटवीन टू पॉइंट, कौन सा, ए एंड बी, ए एंड बी के बीच में वही कैपेसिटर है, सेल जो हमने जोड़ा है वो सेम है। अच्छा, एक बात और, जब आप कैपेसिटर का सिंबल देना तो ध्यान रखिएगा दो इक्वल लेंथ का लाइन यूज करते हैं, वो भी पैरेलली, ऐसे एक्चुअल सिंबल में एक लाइन सीधा और एक कर्व होता है, सहूलियत के अनुसार हम लोग ड्रॉ करते हैं दोनों। लेकिन अगर अनइक्वल गलती से हो गया, जैसे यहाँ पर ही अनइक्वल हो गया, तो ये कैपेसिटर के बजाय सेल का काम करेगा, तो सर्किट आपका गलत हो जाएगा, इस हिसाब से याद रखिए। अब अगर एक ही पाथ है तो यहाँ पर पूरा चार्ज क्यू जाएगा, और इंडक्शन के कारण यहाँ माइनस क्यू, ठीक है, तो जितना चार्ज इन किया उतना एग्जिट कर गया है। अभी ये जो कैपेसिटर है इसको सी इक्विवेलेंट मानिए, ठीक है, और ज़्यादा क्लियर चाहते हैं पैरेलल के लिए, तो पी फॉर पैरेलल सी पी लिख लीजिए। तब यहाँ पर क्या लिखेंगे, नाउ अकॉर्डिंग टू सर्किट आप क्यू इज इक्वल टू यहाँ से सी पी इंटू वी यहाँ लिख लीजिए। इसके अनुसार क्या लिखेंगे, क्यू इज इक्वल टू सी पी इंटू वी, ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा, साफ है 1 एंड 2 से, है ना, 1 एंड 2 के अकॉर्डिंगली सी पी इंटू वी इज इक्वल टू कितना है, तो वहाँ पर C1 प्लस C2 प्लस C3 इंटू वी है। अगर वी को काट दें तो सी पी इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3, ऐसा हो गया। अगर इससे ज़्यादा कैपेसिटर्स हैं तो इन जनरल अगर आपको फार्मूला लिखना है तो आप लिखेंगे क्या, आप लिखेंगे सी पी इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस डॉट 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 CN, N तक जाएंगे, ओके, और यही चीज़ आप समेशन के रूप में समेशन CI भी लिख सकते हैं। तो आपको यहाँ दिख रहा है कि कैपेसिटेंस सभी इंडिविजुअली ऐड हो जा रहे हैं। दूसरी बात, कैपेसिटेंस पॉजिटिव स्केलर क्वांटिटी है, यानी पॉजिटिव क्वांटिटी को आप ऐड कर रहे हैं, तो लाजमी है कि टोटल कैपेसिटेंस पैरेलल में अगर ऐड करेंगे तो बढ़ जाएगा, टोटल कैपेसिटेंस पैरेलल में बढ़ जाएगा। इसके लिए आप NCERT का एक एग्जांपल ले लीजिए, और NCERT का जो एग्जांपल है ना वो लेकर के देखें, तो क्वेश्चन में जैसा कि आप देख सकते हैं, ये क्वेश्चन में आपके पास कुल मिला करके 3 कैपेसिटर्स हैं, जहाँ तक C1 का वैल्यू दिया हुआ है 2 पीको फैराड, पीको 10^-12, और ये है आपका 3 पीको फैराड, और ये 4 पीको फैराड। इस क्वेश्चन में बोला है, ठीक है, NCERT क्वेश्चन में बोला है, क्या बोला है कि सी इक्विवेलेंट फाइंड कीजिए, मतलब आप CP फाइंड कीजिए। तो CP फाइंड करने का मतलब आप क्या करेंगे, C1 प्लस C2 प्लस C3 कर लेंगे, 3 है तो 3 करेंगे, 2 है तो 2 तक ही रहने देंगे, और सिंगल का तो कॉम्बिनेशन होता नहीं है, तो मिनिमम 2 रहेगा ही, उससे ज़्यादा रह सकता है। तो यहाँ पर 2 प्लस 3 प्लस 4 यानी कुल मिला के 9, और चूँकि पीको है तो पीको फैराड हो गया। अब आपको यही नहीं, आपको पूछा है कि Q1 कितना होगा, Q2 कितना होगा, Q3 कितना होगा, जब भी की बात उसमें किया है कि 100 वोल्ट के साथ जोड़ देंगे, तो इसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। Q1 इज इक्वल टू C1 इंटू वी, C1 आपका
टू इंटू टेन का पावर माइनस ट्वेल्व इंटू हंड्रेड, यानी जो रिजल्ट आ जाए ये आपको हो जाएगा टू इंटू टेन का पावर माइनस टेन कूलम। इसी तरह से इसको सी टू इंटू भी, यहाँ थ्री इंटू टेन का पावर माइनस ट्वेल्व इंटू हंड्रेड इज इक्वल टू थ्री इंटू टेन टू द पावर माइनस टेन कूलम। और इस तरह से सी थ्री इज भी करेंगे तो फोर इंटू टेन का पावर माइनस ट्वेल्व इंटू हंड्रेड इज इक्वल टू फोर इंटू टेन टू द पावर माइनस टेन कूलम। अब अगर आपसे पूछे कि टोटल कितना चार्ज स्टोर हुआ, तो सबको जोड़ देना है, टोटल चार्ज भी निकल जाएगा। अब यहाँ से इन्फॉर्मेशंस क्या क्या हैं वो वन बाय वन देख लें। न्यूमेरिकल करने का मकसद यही था कि सारे इन्फॉर्मेशंस हमारे क्लियर हो जाएं। और इन्फॉर्मेशंस को क्लियर करने के लिए सबसे पहला चीज कि देख रहे होंगे इन पैरेलल कम्बिनेशन क्या हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ऑल द कैपेसिटर्स, सभी कैपेसिटर्स के लॉन्ग है ना, अक्रॉस ऑल द कैपेसिटर्स विल बी सेम, इक्वल होगा। दूसरी बात, चार्ज स्टोर्ड बाय डिफरेंट कैपेसिटर्स C1, C2, C3, डिफरेंट कैपेसिटर्स इन पैरेलल कॉम्बिनेशन विल बी डिफरेंट, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्या बात करें, अगर हम नेट कैपेसिटेंस की बात करते हैं, ठीक है, नेट कैपेसिटेंस, नेट बोलिए, इक्विवेलेंट बोलिए, बहुत सारे नाम हैं, टोटल बोलिए, इफेक्टिव बोलिए, सब एक ही का नाम है, कैपेसिटेंस जो है विल इंक्रीज, ये इंक्रीज करेगा इन किस में, पैरेलल कम्बिनेशन, पैरेलल कम्बिनेशन में इंक्रीज करेगा। मैंने बोला था ना कुछ क्वेश्चन इंक्रीज या डिक्रीज, मतलब आपके पास तीन चार कैपेसिटर्स हैं, ठीक है, और वहाँ पर कैपेसिटर आपको ज़्यादा वैल्यू का चाहिए, तो ऑब्वियस है कि आप पैरेलल में कंबाइन करना पसंद करेंगे। अच्छा, अगर हम नेट इक्विवेलेंट या टोटल इफेक्टिव कैपेसिटेंस की बात करें, ठीक है, किस में, पैरेलल कम्बिनेशन में है ना, कैपेसिटेंस इन पैरेलल कम्बिनेशन क्या होगा, तो आपने देखा था दो तीन और चार का कैपेसिटर ऐड किया था और टोटल नाइन आया था, तो ये मोर देन मैक्सिमम उसमें कौन था, फोर था, इंडिविजुअल कैपेसिटेंस इन कम्बिनेशन में जो डिफरेंट कैपेसिटर्स थे उससे मैक्सिमम हो गया।